हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो हियर वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन, फाइंड द स्टूडेंट दैट विल रिप्लेस द जॉब। तो हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है वो स्टूडेंट जो कि चॉक रिप्लेस कर रहा होगा। देर आर एन स्टूडेंट्स इन अ क्लास नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1। द टीचर विल गिव ई स्टूडेंट अ प्रॉब्लम स्टार्टिंग विथ स्टूडेंट नंबर 0, देन स्टूडेंट नंबर 1 एंड सो ऑन अंटिल टीचर रीचेज द स्टूडेंट n-1। After that, the teacher restart the process, starting with student number 0 again. तो यहाँ वो कह रहा है कि टीचर ने एक प्रॉब्लम दी स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट की इंडेक्स है 0, वो 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 0 वाले के बाद उन्होंने 1 को दी, ऐसे कर करके 0, 1, 2 ऐसे कर करके n-1 तक के स्टूडेंट्स को दी, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ से वापस साइकिल रिपीट करना चालू कर दी, फिर वापस 0 को दी, फिर 1 को, ऐसे ऐसे करके चालू कर दी। और हमें एक इंटीजर दिया हुआ है k, तो इनिशियली हमारे पास क्या है, k पीसेस ऑफ चॉक है। तो यहाँ पे समझ लो मेरे पास 5 पीस है चॉक की, तो ये मेरा k हो गया। व्हेन स्टूडेंट नंबर i इज़ गिवन अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, दे विल यूज़ चॉक i पीसेस ऑफ चॉक टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो अगर समझ लो कि सबको अभी एक एक चौक चाहिए यहाँ तक n-1 तक, और मेरा n ले लेते हैं 6, तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको चौकाई पीसेस ऑफ चौक चाहिए, मतलब 1-1 पीस यहाँ पर। हाउएवर इफ़ करेंट नंबर ऑफ चौक पीसेस इज स्ट्रिक्टली लेस देन चौक आई, अगर जो नंबर है चॉक पीसेस का जो कि अवेलेबल है, जो हमारा के, वो अगर चॉक आई से कम हो गया, मतलब हमारे पास उतनी चॉक है नहीं, अब उतनी चॉक है नहीं, तो स्टूडेंट आई विल बी आस्क्ड टू रिप्लेस द चॉक। उस स्टूडेंट को बोला जाएगा कि तुम रिप्लेस कर दो चॉक, तो हमें वो ही स्टूडेंट का इंडेक्स निकालना है। अब यहाँ पर जैसे 5 था तो 0 पर गए, इसने एक चौक ले ली, तो बची हमारे पास यहाँ 4, फिर उसके बाद यहाँ बची 3, यहाँ 3, 4, यहाँ बची 1, और यहाँ बची 0, तो हमारी 5 की 5 चौक यूटिलाइज हो गई। अब जो 6th पे आया, 6th के लिए तो चौक ही नहीं है, जब 6th के लिए चौक ही नहीं है तो यहाँ खेल ख़त्म हो गया, तो हमारा इंडेक्स क्या हो गया, 5, क्योंकि इंडेक्स तो 0 बेस्ड इंडेक्स है। तो हमारा इंडेक्स हो गया 5। अब इसकी जगह अगर हम इस 6 को हटा देते हैं या फिर k को कुछ बड़ा रख देते हैं, तो मैं k को यहाँ पे कर देती हूँ कि भाई k मेरा है 25। अब मेरा k 25 है, तो इसको कैसे करेंगे, अगर k 25 है और मुझे चॉक्स चाहिए, चलो वही वाला केस ले लेते हैं जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास चौक है 515, तो मेरे कैंडिडेट्स है 1, 2, 3, स्टूडेंट नंबर लिखा है ये मैंने, और इनके पास चौक है 515, और टोटल चौक है हमारे पास 22। तो हम पहले लूप में जाते हैं, तो पहले लूप में क्या हुआ, ये 5 चौक गई, तो यहाँ 17 चौक बची। फिर स्टूडेंट नंबर 2 के पास गए, स्टूडेंट नंबर 2 के पास एक और चौक गई, तो 16 चौक बची। फिर स्टूडेंट नंबर 3 के पास गए, तो एक और चौक गई, अब 11 चौक बची। अब यहाँ ख़त्म हो गया, फिर वापस क्या बोला हुआ है, n-1 तक गया, फिर वापस क्या है, टीचर रीस्टार्ट द प्रोसेस। तो रीस्टार्ट की, तो अब 11 बची थी,
11 में से 5 गए, 6 बचे, 6 में से ये 1 गए तो कितने बचे, 5। अब उसको 5 चाहिए तो 5 में से 5 गए, 0 बचे, फिर वापस प्रोसेस स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे चाहिए हमें 5 पर है 0, तो यहाँ तो कंडीशन फेल हो गई। यहाँ कंडीशन फेल हो गई मतलब किस स्टूडेंट को रिप्लेस करनी पड़ेगी, ये पहले वाले स्टूडेंट को। पहले वाले स्टूडेंट का इंडेक्स क्या है अपना, 0, तो आंसर आ गया 0। तो हमें ऐसे करना है। अब एक कंडीशन समझो, इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम पहले करते हैं, हम मतलब 22 में से माइनस करे जा रहे हैं वो चौक के नंबर्स, जब तक 22 हमारा 0 नहीं हो जाता, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूँ पहला लूप, पहले लूप में अपन ने क्या किया, 22 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 5, यही किया। और अगर मेरा 22 होता, सपोज कर लो इसको 22 की जगह लिख देते अपन 32 लिख देते हैं। अब 32 के केस में क्या होता, यहाँ पे 0, यहाँ पे जो भी है 10 से बढ़ा दो, क्योंकि हमारा नंबर 10 से बढ़ चुका है, तो 26 हो जाता है, ये 21 हो जाता, ये 16, ये 15 और ये 10। अब 10 में से 5 जाता तो 5 बचता, 10 5 में से 1 4, अब यहाँ कम पड़ जाती। तो हम क्या कर रहे हैं, 22 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 5 किया तो क्या आ गया, ये हमारा 5 5 10, तो 11 बचा। और उसमें से वापस 5 प्लस 1 प्लस 5 किया अब यहाँ 32 है, तो 32 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ 32 है, 32 में से हमने 11 हटा दिया तो क्या बचा, 21 बचा। 21 में से फिर से 11 हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, 10 बचा। अब 10 में से हम पूरा तो माइनस नहीं कर सकते, तो हमने माइनस 5 किया, माइनस 1 किया, बस इतना ही कर पाए। अब इतना समझ में आ रहा है कि हम बार बार क्या कर रहे हैं। अगर इसको पूरा एक तरह से लिखते हैं तो हम इसको दो बार हटा रहे हैं इस पूरी चीज़ को, और फिर इस नंबर में से माइनस कर देते हैं, जो भी हमारा बचेगा उसमें से फिर आगे एरे के स्टार्टिंग से माइनस करते जाएंगे। तो ये समझ में आया कि हम बेसिकली सम ले रहे हैं। तो अगर मेरा यहाँ 22 है, अगर 22 है और मेरा सम यहाँ 11 है, तो मैं डिवाइड कर दूँगी सीधे सीधे इसको, 22 को 11 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास बचा क्या, 2। मतलब वो कह रहा है कि मैं दो बार उस लूप में चली जाऊंगी। जैसे हमने अभी देखा था, तो इसमें 2 आ गया, 2 आ गया मतलब क्या हुआ, 22 से अपना क्या क्या बन रहा था, यहाँ पे यहाँ 0 बन गया था, मतलब दो लूप तो कंप्लीट हो ही गए थे, दो लूप, और उसके बाद तीसरे लूप पे फेल हो गया था, तो यहाँ से 2 लूप तो हो ही जाएगा ये पता चल रहा है, और उसके बाद आगे जाके नेक्स्ट इंडेक्स पर फंस जाएगा। तो सबसे इजी तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सम, हम करते हैं इसका रिमाइंडर के से। तो इसका रिमाइंडर जब किया मैंने के से, तो क्या आ गया मेरा, 0। मतलब ये तो एंड तक जा रहा है, के मेरा एंड के नंबर तक पहुंचेगा। अब मैं क्या करूँगी,
यहाँ से चालू करेंगे अपना लूप चलाना स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं रिड्यूस कर चुकी हूँ केक को सिर्फ एक लूप के लिए, तो अब बस एक ही लूप चलाएंगे। अब चेक करेंगे, 5 है मेरा और मैंने इसको 5 को 0 से माइनस कर दिया। अगर मेरा के लेस देन 0 आ गया तो मैं रिटर्न कर दूंगी वो वाली इंडेक्स। अब यहाँ पे तो नेगेटिव आ ही गया तो मैं यहाँ इंडेक्स रिटर्न कर दूंगी जो कि मेरी थी 0। यहाँ गेम ख़त्म। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, ऐसी तो 3, 4, 7 है, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 25 मॉड्यूलस 10 लेंगे। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा सम 10 है तो हम 10, 10, 10 ऐसे चलाते रहेंगे जब तक कुछ रिमाइंडर नहीं बच जाता। तो हमने 2 बार 10 चलाया जो कि 20, रिमाइंडर क्या बचेगा अपना 5 जो कि यहाँ भी बच रहा है जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे फिर से। तो हमने वही निकाल लिया, वो जो बाकी के इटरेशंस थे जो अननेसेसरी थे वो हमने हटा दिए। तो बस अब एक लूप चलाना है, तो 5 माइनस 3 2, और अब 5 माइनस 3 2 तो आ गया, अब हमें चाहिए 4 पर अवेलेबल है 2, तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे ख़त्म हो गया। क्योंकि अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2 माइनस 4 तो ये आ जाएगा -2, k नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे इंडेक्स कर दी मैंने रिटर्न, तो मेरी इंडेक्स क्या थी 1। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले तो हमने पूरा सम ले लिया, तो ये बेसिकली क्या है इसका सम, तो इस केस में क्या है 11। फिर हमने उसको मॉड्यूलस ले लिया टोटल नंबर से, ताकि हमारे जितने लूप्स थे वो सारे कवर हो गए, बस हमारा एक ही लूप बचा है के में चेक करने का। हमने चौक का साइज लिया जो भी था, फिर 0 से n तक इटरेट किया पूरा, और के में से माइनस करते गए हम जो भी नंबर ऑफ चौक्स है। अब अगर मेरा के कभी भी चौक ऑफ i से कम है तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मैंने यहीं उसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया। तो ये था पूरा सॉल्यूशन, और रिटर्न 0 यहाँ इसलिए किया क्योंकि इंट है तो वी नीड टू रिटर्न एनीथिंग, तो यहाँ रिटर्न 0 कर दिया, पर इसकी नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ही हमारा लूप ख़त्म हो चुका है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।